रूस के राष्ट्रपति की छोटी बेटी कैटरीना तिखनोवा ने रूसी जासूसों के कवच में यूरोप में मस्ती का कोई मौका नहीं छोड़ा। बताया जा रहा है कि वो अपने बॉयफ्रेंड इगोर ज़ेलेंस्की के साथ बीते 4 साल में कई बार यूरोप घूमने जा चुकी हैं, लेकिन हर बार उनके साथ पुतिन के जासूसों की लंबी चौड़ी फौज गई। खबर है कि आखिरी बार जब कैटरीना तिखनोवा अपने बॉयफ्रेंड के साथ जर्मनी और ब्रिटेन समेत कुछ और पश्चिमी देशों में डेट पर गई थी, तब भी पुतिन ने अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए रूसी जासूसों की टीम को उनके पीछे भेजा था। और ऐसा सिर्फ एक या दो बार नहीं हुआ, बल्कि दावा है कि जितनी बार कैटरीना तिखनोवा पश्चिमी देशों की यात्रा पर गईं, उनके पीछे रूस से जासूसों की पूरी टीम को भेजा गया, और वो भी रूस के सरकारी खजाने के खर्च पर। यानी पुतिन की बेटी की सुरक्षा में जितनी भी रकम खर्च हुई उसका भुगतान सरकारी खजाने से किया गया। बताया गया कि मार्च 2017 में पुतिन की बेटी जब लंदन की यात्रा पर गई थी, तब भी पुतिन के 6 जासूसों के लिए उनके होटल में कमरा बुक कराया गया था। यही कैटरीना तिखनोवा के स्वीडन जाने पर किया गया था। कहा जा रहा है कि क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। बेटी के स्वीडन यात्रा के दौरान भी पुतिन ने 10 जासूसों की टीम उनके साथ उनकी सुरक्षा के लिए भेजी थी, जो कि हमेशा कैटरीना के होटल के कमरे के आसपास मौजूद रही। दावा किया गया कि अपनी बेटी को सुरक्षित रखने के लिए पुतिन ने पानी की तरह पैसे बहाए, और जब से जंग शुरू हुई है तब से पुतिन के परिवार पर खतरा लगातार मंडरा रहा है।